तां ऐसे है जी, अपनी जिहड़ी बोली है ना मुल्तानी, ये बड़ी मिठी सुथरी है बोली। बोलन तो ही लगता है कि आदमी सच बोलता पे, ईमानदारी नाल बोलता पे, क्योंकि जिथों आए ना उतों सच्चाई नाल आया ही। वो जब तक उतों के लोग अपनी वाली बोली बोलते रह सन ना, वो सच ईमानदारी दोस्ती यारी लंगोटियापन वो कहीं छोड़ नहीं सकते। और जिस वेले जो पुराने बंदे हैं ना, वो चले हुए सन, मुक हुए सन, मतलब ये सारिया जो विशेषतावान ना ये मुक हुए सन। देखो जोड़े भी पुराने बंदे हैं उन्हें तुम देखो, उन्हें हाले भी तमीज मैनर्स, तमीज सच्चाई, दूजे की मदद करना हाले भी मिले हुए सन। लेकिन जिमें 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 वो गुजरते पे ना, उनके बाद जी अगली जनरेशन आती पी है, उनके ये छियाँ सुनने वास्ते नहीं मिलते, वो बिल्कुल बदल गए जी बिल्कुल। ऐसे मेरा एक विचार है कि कई बंदे को जो मुल्तानी प्रेमी होवे ना, वो अफोर्ड भी कर सकता होवे, उसको हर महीने मुल्तानी विच ना एक मैगजीन जरूर छापना चाहिए। और उन्हें क्या हो सी कि जेडे लोग मुल्तानी भाषा में दिलचस्पी रखें, वो मुल्तानी भाषा को मरण ना दे सन, वो जिंदा रह सी। मुल्तानी विच कवितावां भी होना चाहिए, मुल्तानी विच रीति रिवाज भी होने चाहिए। कि जिवें हुण क्या है कि लोहड़ी आती है, लोहड़ी ते असां लोहड़ी जलांदे आं, तो लोहड़ी जला के बुछरी बनांदे आं। अजकल बुछरी बनाउण दा रिवाज मुकदा पे। जिवें होली आती है, होली ते असां पहले गोहे दे उत्ते मन पकांदे हुंदे सी, बेसण दे मन पकड़दे सी, आटे दे मन पकड़दे सी। अजकल उन्होंने मन पकाने बंद कर दिते, और उनके बदले तवे के उत्ते गैस से जला के पास कर। इन्दे नाल क्या होंगे कि जी सारी पुरानी रीति रिवाज आई ना, वो खत्म थी पी है। जिमें असं पहले जो पाकिस्तान हसे तो उन मिट्टी की कुन्नी में दाल बननी होंगी आई, और लोहे की कढ़ाई के जी है ना, वो असं लोहे की कढ़ाई के सब्जी बना होंगे अस, तो उनका वो बैकवर्डनैस की निशानी नहीं है, वो उनके हाइजीन भी है। क्योंकि अजकल जो डॉक्टर लोग हैं वो भी ये आखन लगे कि मिट्टी के जोड़े बर्तन हैं ना, उन्हें कोई इस्तेमाल करो। जिमें पहले जमाने खुमरे होंगे जो अजकल कसोरे आते हैं, वो असं खुमरे आ दिया से, तो खुमरे छइया गिन के आते हैं, वो साफ होंगे इस्तेमाल कर उन्हें कोल छट दें। अजकल जिमें डिस्पोजेबल थालियाँ आया पेन बांडे आ पेन, वो जोड़े आए पेन ना, वो बीमारी का कारण है। जो खुमरे मिट्टी के बर्तन हैं, या फिर दही जमाने वाले भांड कुंडे होंगे, वो बड़ी अच्छी चीज़ होंगी है, हाइजीनिक होंगी। जो लोहे के भांडे में लोहे के कढ़ाई में कोई सब्जी बनाई है, उनके आयरन मिल जाता है, ताकत भी आती है। अच्छा जिमें हम सा पुराने रीति रिवाज है, कई पास कोई सट लग पी आई, असं उल क्या करें असें सरों का तेल ला देंगे असें। हूँ भी इं कि पुराने बजुर्ग जो लोग जड़े ना, वो आदन के धांदे हो ना, जे वे उंगले सरों के तेल की मालिश करके धानते करो। सरों के तेल के मालिश धान के नाल एक तो एंटीसैप्टिक होंगे, उन्हें खरसी नहीं थी। दूजी गल ये कि थोड़ी बहुत जी है ना, उनके मालिश थी जाती है, शको शरीर की मालिश थी जाती है, थकावट दूर थी जाती है, चुस्ती भी आती है। पहले टाइम जो होंगे कि लोग पहलवान लोग ना कुश्तियाँ लड़ते आते हैं, कुश्तियाँ लड़ने तो पहले वो खूब मालिश कर सरों के तेल की, उन्होंने क्या उन्हें बड़ी ताकत आती है। मेरे को याद है कि मेरी जी भाभी आई ना, जो मैं छोटा होना, मैं अपने भाभी की लत्तों की सिर की हत्थों की जंगी की पैरें की मालिश करना, बड़ा स्वाद आता है। मेरी माँ भाभी को बड़ा स्वाद आता है, और मेरे को सेवा करके बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरी भाभी का आशीर्वाद ही है कि मैं आज जो कुछ भी हाँ उन्होंने मेहरबानी के नाल हाँ। तो अजकल एक गल भी है जो मैं आखसा कि अजकल की जी जनरेशन है ना, ये अपने व्डे वडेर की कोई इज्जत नहीं करेंगी, इन बड़ी दिल से चोट लगती है। अब देखो ना व्डे वडेरे हैं, जिमें हम हरियाणा के पंडित लोग हैं, ये हरियाणा के जो लोग हैं ये पंडितों को दादा आदन, दादा वो दादा ही वास्ते आदन, वो आदन भी ये साढ़े बजुर्गों की व्डे वडेर की निशानी है। तो असल जो हरियाणा वाले पंडित को दादा आदन,
असरत जेड़े साढ़े घर के भगवान है ना, साढ़े माँ प्यो, वो साढ़े दादा पड़दादा तो भी सब तो ज़्यादा। तो सबू अपने बजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए है, आशीर्वाद लेना चाहिए है। मंदिर वजन नाल मन पवित्र रहेंगे, उन्हें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें तो पहले एक तो सब तो जरूरी है कि पहले अपने माँ प्यो की सेवा करनी चाहिए है। तुसा सेवा अगर शरण कुमार की तरह करे सो तो थोड़े बच्चे जड़े हैं वो भी शरण कुमार बन के तुहाड़ी सेवा करे सन, नहीं तो जो बीजा है फल तो उही। बस राम राम जी, जींदे रहो वजदे रहो, भगवान तुहाड़ा भला करे। विभाजन के समय का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी कभी आपको कुचेटता हो कि नहीं ये वाक्या ऐसा हुआ था, आज 2022 में हम लोग विभीषिका मना रहे हैं, उस दृश्य को याद करके आपको कभी कभी उलझन होती हो, ऐसा कुछ वाक्या बुजुर्गों का सुनाया हुआ या कोई घटित हुआ हो हमारे साथ? एक हमारी दादी जी ने जो हमको बताया था कि क्योंकि हमारे पिताजी चार भाई थे और दादा दादी चार भाई सबका अपना परिवार था और चारों जो भाई थे वो अनमैरिड थे उस समय तक। तो हमारे जो सबसे बड़े जो मेरे ताया जी थे वास्तव में, वो उस दिन जिस दिन वहाँ से ये काफ़िला बन करके क्यों अचानक ही ये एक वहाँ से निकलना पड़ गया, उनको कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। तो उस दिन हमारे जो ताया जी थे जो मेरे पिताजी से बड़े थे और वो कहीं दूसरे गाँव गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए होंगे या रिश्तेदारी में गए होंगे, तो हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी उस समय वो लगभग 16-17 साल की आयु थी, वो कहने लगे भी तुम्हारे बड़े भाई जो गए हुए हैं अब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, उनको साथ लेकर के आओ। तुम्हारे पिताजी उनको लेने के लिए चले गए और लेने के चले गए, इस बीच में बाकी लोगों को वहाँ से निकलना पड़ गया। अब निकलना पड़ गया तो पिताजी और पिताजी से बड़े भाई जो थे वो दोनों पीछे रह गए और वो जब आए तो एक ट्रेन में जब वो बैठे, उन लोगों को बताया काफिला तो आगे चला गया है और ट्रेन में बैठ के चले जाओ, और साथ में ये कह दिया कि इसमें खतरे भी बहुत हैं इसलिए कहीं भेष बदल करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे दादाजी पिताजी उन्होंने अपना भेष बदला और भेष बदल करके और ट्रेन में बैठ करके आए और अचानक उस ट्रेन में एक पुलिस का आदमी जो हमारे उस इलाके का ही रहता था वो, तो वो उस ट्रेन में ही था। पिताजी ने उस पुलिस के सिपाही को पहचान लिया तो फिर उनका इस सिपाही को बताना चाहिए, तब उसको बताया कि भाई हम ऐसे ऐसे भेष बदल करके आ रहे हैं, दोनों भाई हैं इसलिए हमें सुरक्षित जो है वहाँ पहुँचाना है। तब उन्होंने अपने उस गार्ड रूम में बैठा करके और उनको लुधियाना तक लेकर के आए और लुधियाना वो पहुँचे। लुधियाना में कैंप लगा हुआ था, साथ में एक स्थान है लुधियाना के पास सानेवाल में वो कैंप लगा था, वहाँ वो दोनों पहुँचे, तब परिवार के साथ आकर के मिले। तो इस प्रकार से परिवार बिछड़ भी गया था, तो परिवार बिछड़ करके और वापस आया। हाँ, एक हमारे नानी जी बताते हैं कि हमारे जो नानी जी के क्योंकि हमारे मामा जी थे वो भी नौ भाई थे और नौ भाइयों में एक भाई ने अपनी बेटियाँ यानी जो एक प्रकार से हमारी यानी हमारे मामा जी की बेटियाँ यानी मेरी बहनें ही हुई एक प्रकार की, तो बड़ी दो बहनें, उनको बिल्कुल अपने तलवार से गर्दन काट दी उनकी और अपने गांव से जब चले तो इज्जत बचाने के लिए कि उनको जिंदा यानी अपनी तलवार से गर्दन काट दी थी और वहाँ किसी उनकी इज्जत ना लूट जाए, इस प्रकार की घटनाएं भी उस समय के वो बताते थे रोंगटे खड़े होने वाले।